मैं तैयारी की वीडियो दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये मैंने लिया है वाइट स्लेस्टोन, ये देखो इसका लेयर निकाला है, इसको करूँगी ड्राई क्रंच। और ये ब्लैक स्लेस्टोन भिगो कर रखा है, तो इसका बताना आप लोग कौन से पेस्ट के साथ करूँ। और ये वाइट पेस्ट और ये ब्लैक पेंसिल्स, किसी ने बोला था ये पेंसिल ना किसी को सॉल्टी लग रहा है, इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना के दिखा दूँ कि ये सॉल्टी नहीं है। इसको मैं अच्छे से इसके साथ, ये देखो, मैरिनेट कर लूँगी अच्छे से ऐसे, और इसके बाद अच्छे से सजा लूँगी इसको सारा, मतलब इसमें कर देती हूँ मैं ठीक से, पूरा पेस्ट लग जाए। ठीक पेस्ट है ये, तो मैंने सोचा पेस्ट के साथ क्रंच करूं। बहुत ज़्यादा है ये, मुझे कम लेना चाहिए था पर मैंने बड़ा ज़्यादा ले लिया, कोई बात नहीं। जितना सैलो वीडियो होगा ये, तो मैंने, किसी ने बोला कि सॉल्टी है, यही बताने के लिए कि ये बिल्कुल सॉल्टी नहीं है। मैं कितनी वीडियो इसका बना चुकी हूँ, ये देखो अच्छे से लग गया ना इसमें, अगर नहीं भी लगा होगा तो मैं ऐसे लगा दूँगी। तो इसमें मैं ऐसे करने वाली हूँ इसको, ये देखो पूरा अच्छे से अंदर तक लग जाए, नमक मिर्ची अंदर तक चले जाए, उसके बाद खाने में अच्छा लगेगा ना। तो चलो इसमें मैंने अच्छे से वाइट सॉस लगा लिया है, और अब इसको हम सजा देते हैं इसमें ऐसे। ये सॉल्टी नहीं है बिल्कुल भी, मैं बहुत बार खा चुकी हूँ, तो मैंने कहा एक ही तरीके से कैसे वीडियो बनाऊँ, थोड़ा सा नया तरीका अपनाऊँ। देखो ब्लैक का बता देना आप लोग, मैं किसके साथ ब्लैक स्लेस्टोन का किसके साथ क्रंच करूँ वो बता देना, कौन सी पेस्ट के साथ। अगर अभी बना पाई तो मैं अभी बनाऊँगी, नहीं तो फिर सुबह आएगी उसकी वीडियो। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये, और ये कि वाइट स्लेस्टोन का काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैं ये बना रही हूँ वाइट स्लेस्टोन का साथ में है ये ब्लैक स्लेस्टोन, तो इसी का वीडियो आएगा आज, तो आप लोग देखना और बताना मुझे ब्लैक को मैं किस पेस्ट के साथ क्रंच करूँ। और वाइट को तो मैं ड्राई क्रंच करूँगी, वाइट पेस्ट के साथ अच्छा नहीं लगता है, और ना वो मुंह में चिपक जाता है, सेलो नहीं कर पाती फिर, तो इसी वजह से मैं वाइट को करूँगी ड्राई। और ब्लैक का बता देना, बैट क्रंच करूँ या मतलब कोई पेस्ट लूँ, बता देना आप लोग। बाय।